जय श्री कृष्णा। गीता धाम में कक्षा फिफ्थ, क्लास कौन सी है, क्लास फाइव, सब्जेक्ट हो गए आपके मैथ्स यानी गणित, और दिनांक हो गई आज 13/7/2021। ओके, मैं आपको गणित में आज जोड़ और बाकी गुणा भाग के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने कुछ भाषा है तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि उस भाषा का कैसे प्रयोग करना है। इसी प्रकार देखिए कि साधारण जोड़ घटाव में क्या करना पड़ता है कि जोड़ घटाव करते समय हमें संख्याओं को हजार, सैकड़ा, दाई और इकाई के अनुसार एक के नीचे एक लिखते हैं और फिर जोड़ और घटाव करते हैं, एक संख्या के नीचे एक लिखते हैं। इसी प्रकार से जैसे अपने यहाँ पे जोड़ में लिखा है, प्रश्नावली नंबर लिखना है अपने को, प्रश्नावली नंबर 2 का है और जोड़ और घटाव क्या है, जोड़ और घटाव। तो जैसे पहला प्रश्न लिखा जैसे 7324 है, उसी प्रकार से उसमें आपको जोड़ना कितना है, जैसे 3532 जोड़ना या 33 जोड़ना, जो भी एक्स वाई जेड है 3000। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे इधर से शुरू करेंगे तो ये क्या इकाई का अंक है और ये कौन सा अंक होगा आपका, दाई का अंक होगा, ये सैकड़ा का अंक होगा और ये कौन सा अंक होगा, हजार का। इसी प्रकार से ये भी इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, इस प्रकार इसकी हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है। क्या करनी है हमें, जोड़ करनी है। और जोड़ करने का तरीका क्या है होता है, तो जैसे ये कितना लिखा है, चार लिखे अपन ने और चार में दो जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, चार के बाद में कितना आता है, ऐसे दो लाइन खींचोगे, चार और पाँच हो जाएगी, तो चार और तो चार और पाँच और छः, तो यहाँ कितना आ जाएंगे, छः आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, छः। इसी प्रकार से यहाँ कितनी संख्या लिखी है, दो लिखी है, और दो में कितने जोड़ेंगे अपन, तीन जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे, एक दो तीन जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, दो के बाद तीसरे आते तीन चार पाँच, यहाँ क्या लिखेंगे, पाँच लिखेंगे। इसी प्रकार तीन, तीन संख्या यहाँ पे और अपन को क्या जोड़ना है, पाँच जोड़ना है, एक दो, ये टोटल पाँच हो गई, ये कितने हो गई लाइन, एक दो तीन चार पाँच लाइन हो गई। तो हम तीन में पाँच जोड़ेंगे, तीन के बाद क्या आता है, चार आता है, चार पाँच छः सात आठ, इतने यहाँ क्या आ जाएगा, आठ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। अब ये कितना है, सात है, और सात के अंदर कितना जोड़ेंगे हम, तीन, तो यहाँ तक लाइन ले लेते हैं, एक दो तीन लाइन यहाँ ले लेते हैं, और तो सात के बाद आठ नौ दस, कितना आ जाएंगे, दस आ जाएंगे। अगर यह दो होता तो नौ आ जाते, अगर एक होता तो आठ आ जाते, ठीक है। ये हो गया आपका पहली जोड़। अब दूसरी जोड़ अपन करते हैं, इसी प्रकार से आपको दूसरा समझा देता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन, एक माइनस करते हैं, बाकी करते हैं, घटाव करते हैं, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपको उसको कॉपी में करके भेजना है, ठीक है। तो जैसे हमने लिख दिया 8795 और बताएंगे कितने, 5432, ठीक है, ये हमने घटाएंगे, क्या करेंगे, घटा, माइनस का मतलब होता है घटाना, क्या होता है, माइनस का मतलब घटाना। सेम तरीका यही है, जैसे ये कितना है, पाँच है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बाकी निकालने, तो पाँच में से दो जाएंगे तीन जाएंगे, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो अपन क्या, एक दो तीन चार पाँच लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पाँच लाइन, और पाँच में से एक और दो लाइन निकाल देंगे, पीछे कितनी रह जाएगी, एक दो तीन लाइन रह जाएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, तीन, क्या लिखेंगे, तीन। इसी प्रकार ये नौ है, तो अपन यहाँ पर क्या कितने करेंगे, नौ लाइन खींचेंगे, तो ये पाँच लाइन खींची हुई है, छः सात आठ और नौ हो गई लाइन। अब नौ में से अपन तीन लाइन, तीन निकालना, तीन लाइन कम कर देते हैं, एक दो तीन, तीन कम कर देते हैं, पीछे कितनी बजाती है, अपन देख लेना, एक दो तीन चार पाँच और छः, कितनी बजाती है, तो छः अपन यहाँ लिखेंगे। इस बार अपने पास में ऊपर सात दिया हुआ है, तो इसमें से एक बार के लिए दो लाइन हटा देते हैं और सात लाइन तक काउंट करते हैं, कितने थे, सात, एक दो तीन
तीन चार पाँच छः और सात, ये सात आयन है। अब सात में से कितने कितने निकालने हैं, छः निकालने हैं, चार निकालने हैं, तो एक दो तीन चार, तो चार निकल गई, तो पिछली लाइन कितनी बच गई, तीन बच गई, तो एक दो तीन, तो तीन यहाँ पे लिख देंगे। इसका पा आठ है, तो इसमें ये नौ लाइन है, इसमें से हम आठ लाइन रख लेते हैं, इसको काट देते हैं। अब आठ में से पाँच निकालना है, तो एक दो तीन चार, पाँच कम हो गई, तो पीछे कितनी बच गई, एक दो तीन बच गई। इस बार ये तीन आपको लिखना है। अब मैं आपको कुछ अपनी भाषा में वो हिंदी भाषा बताता हूँ, जो आज तक आपने शायद बच्चों कम ही सीखते हैं, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम का दौर है, लेकिन ये भाषा भी अपनी ज़रूरी है। तो भारतीय अंक प्रणाली है, कौन सी है, भारतीय अंक प्रणाली। तो मैं आपको यह लिख देता हूँ ताकि क्या है कि जगह खराब नहीं हो। भारतीय अंक प्रणाली जो कि विशेष तौर से हिंदी भाषा है, कौन सी भाषा है, वो हिंदी भाषा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये दस, ये कौन सी भाषा है, ये तो अंग्रेजी भाषा है। कौन सी भाषा है, इंग्लिश के अंदर, रोमन भाषा इंग्लिश भाषा है। लेकिन अब इसको हिंदी में कैसे लिखें, ये तो अंग्रेजी हो गई, कौन सी होगी, अंग्रेजी। अब इसको भारतीय भाषा कह दो या हिंदी भाषा कह दो, तो जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, हो गया ना। ये आपको याद करना है, अपनी कॉपी में नोट करके या याद करना है सब बच्चों को, या आपको देखना है, देख लिया ना, ये आपको क्या करना है, ये आपको नोट करना है और सबको ये अपनी कॉपी में लिखना है। और यहाँ तक इसको ध्यान में देना कि अंग्रेजी का एक ऐसे, हिंदी में एक से वन वन ऐसे होगा, टू टू थ्री थ्री, ये डिफरेंस। अगर हमने आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग जोड़ बाकी निकाल डाली तो आपको कैसे करना है। इस प्रकार कैसे मैं आपको कुछ दो चार जोड़ डाल देता हूँ, एक तो हिंदी की एक इंग्लिश की, जैसे हैं पाँच 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 पाँच, चार 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 चार, इसको प्लस करिए। इसी प्रकार से छः सात आठ नौ, इसमें से तीन चार दो एक घटाइए, क्या करना है, घटाना है, ये माइनस का मतलब घटाना है, बाकी है क्या, ये बाकी है और ये जोड़ है। इसी प्रकार से नौ आठ सात छः और पाँच चार तीन दो, ये क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ, हासिल की है, ठीक है ना, ये सात पाँच बारह, बारह में से हासिल का दो और छः पाँच छः ग्यारह होता है, कितना होता है, ग्यारह, ग्यारह हासिल लगता है एक, कितना लगा एक, और एक को यहाँ बता देंगे, सात रेखा आठ आठ चार बारह, बारह के दो हासिल लगा एक, आठ एक नौ और तीन ग्यारह बारह, बारह के दो हासिल लगा एक, एक नौ और एक दस, दस दो बारह, इस प्रकार से यहाँ हासिल की जोड़ होगी। लेकिन हासिल जोड़ मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। नेक्स्ट में इस प्रकार से ये आपको एक जोड़ और करनी है जो बिना हासिल के लिए दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये आपको बिना हासिल की जोड़ है, ये आपको करके कॉपी में हमें कल तक भेजना है। जय श्री कृष्णा।